खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं TNA न्यूज़। शहर हैदराबाद में अगर कोई भी क्राइम नहीं करेगा और अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा तो हम उसे परेशान नहीं करेंगे। अगर रॉडी शेटर्स भी शराफत से रहेंगे तो उन्हें पुलिस की जानिब से हरासा नहीं किया जाएगा, क्योंकि सिटी पुलिस की ये कोशिश है कि शहर हैदराबाद में आवाम बिना किसी डर व खौफ के सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारें। ये अल्फाज हैदराबाद सिटी पुलिस से वाबस्ता नए पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडालिया IPS के है, जो फ़िलहाल रॉडी शेटर्स और क्रिमिनल्स के अलावा गुंडा अनासिर पर कड़ी नज़र रखते हुए उनका ताखुब कर रहे हैं और इनकी सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए अपने मातहत पुलिस अहदेदारों को ख़ास हिदायत दे चुके हैं, क्योंकि रॉडी शेटर्स क्रिमिनल्स और गुंडा अनासिर की सरगर्मियों की वजह से ही शहर का पुरामन माहौल ख़राब हो रहा है। इसलिए सिटी पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडालिया IPS ने तेलंगाना स्टेट में 30 नवंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र ख़ास इकदामात उठाते हुए शहर हैदराबाद के हालात का जायज़ा लेने के लिए वक्फे वक्फे से अपने दौरों का सिलसिला जारी रखते हुए इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं, जिन्होंने 31 अक्टूबर मंगल की शाम को भी अचानक दौरा करते हुए सबसे पहले मासाब टैंक पुलिस स्टेशन पहुँच गए और फिर इन्होंने नामपल्ली हल्के असम्बली के फसलानसर एरिया का दौरा किया, जहां इन्होंने मुकामी लोगों से खुद शख्सी तौर पर बात करते हुए हालात और पुलिस बंदोबस्त से वाकफियत हासिल की। और फिर उसके बाद संदीप शिंडालिया IPS ने नामपल्ली पुलिस स्टेशन का भी अचानक दौरा किया। इन्होंने पुलिस की जानिब से किए जा रहे इंतजाम का भी जायज़ा लिया, जिनके साथ ना तो कंसर्न DCP मौजूद थे और ना कंसर्न ACP मौजूद थे, इसलिए ऐसे दौरों को ही सरप्राइज विजिट कहा जाता है, जिससे पुलिस के अहदेदार खुद परेशान हुआ करते थे। इसलिए संदीप शिंडालिया जैसे ऑफिसर्स की वजह से मसाइल हल होते हैं। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो मुझे नहीं पता किसकी जानिब से आए हैं, अपना ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और ईमानदारी से रहते हैं। बस नामपल्ली केस में आप सडन विजन कर सब कुछ दिखा, प्रैक्टिकली किस तरीके से पुलिस काम कर रही है? अभी मैं वो देखा नहीं है, मैं अभी वैसे ही देख रहे हैं, वर्किंग देख रहे हैं, थोड़ा लोगों से बात करके थोड़ा हिम्मत दिला रहे हैं कि इलेक्शन इज लाइक पंडुगा, एक हम डेमोक्रेसी का एक त्यौहार है, जैसे होली दिवाली ऐसा त्यौहार है ना, और प्रॉफेट मोहम्मद का जन्मदिन, वैसे ही डेमोक्रेसी का ये एक त्यौहार है, तो सब लोग अच्छा खुशी खुशी मनाएं, बस उसी के लिए मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, हो भी जाएगा भगवान की कृपा से। उसके लिए ऐसा है बल्कि अभी तक नहीं मिला सर। अबे पैसा पकड़ा गया, वो छोड़ दे रहे हैं, वो उनसे पूछ के अब जिसका भी ये पैसा तो पकड़ा ही गया। तो सिटी में रॉडी एलिमेंट्स का क्या हाल है सब? आप आने के बाद में पूरे परेशान हैं? कोई परेशान नहीं है भाई, ओ भैया आजकल 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 कोई आदमी भगवान का डर नहीं मान रहा, भगवान का उसका अल्लाह का तौबा नहीं है, हमारा क्या, हम तो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है भाई, हमारा कुछ नहीं है, बस जिसने जो कानून तोड़ा उसको पकड़ के बस अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। किस किस के बारे में? इंतजाम रहेंगे, रियली एनीबडी ऐसा घूमने नहीं देंगे, ऐसे रफियन एलिमेंट्स को गाड़ी में RC बुक नहीं है, हेलमेट नहीं है, ये नहीं है, अब धीरे धीरे टाइट करेंगे कि इलेक्शन का टाइम है, वो पंडुगा है हमारा, वो पंडुगा में कोई डिस्टर्ब नहीं करना, ये वो दुकानें जो खा पी रहे हैं बट जितना टाइम दिया उसमें बंद कर दें सर। 11 बजे मैं कुछ नहीं बोलता, मैं सिर्फ सुनता हूँ।